जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर शख्स को पता है 16 माह में क्या हुआ। साद रफीक कहते हैं, हम कभी नहीं चाहते मुखालफीन बेलों में जाएं। लोगों को ये यकीन करें, हमें ये ज़हन में था कि लोग 16 महीने पे पूछेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। सर, हर शख्स को पता है कि 16 महीने में क्या हुआ है, उससे पीछे पौने चार साल में क्या तबाही आई है, और उस तबाही को रोकने के लिए PMLN ने, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल अपने हाथों से बर्न किया रियासत को बचाने के। ये बात तो एक कच्ची आबादी में रहने वाले मिडिल पास आदमी को भी समझ आ गई। जो हमें जेलों में डलवाते थे या डालते थे, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कोई जेल में जाए, खासतौर पर जब इलेक्शन हो रहा है। लेकिन अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? आप हमें कि इलेक्शन छोड़ दें? इलेक्शन तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा, जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े? लड़े हैं ना, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।